मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने दुनिया का सबसे चमकीला पदार्थ बनाकर नई इबारत लिखी है। ये पदार्थ IIT चेन्नई व जापान के क्यूशु इंस्टीट्यूट में हुए प्रशिक्षण में खरा साबित हुआ है। ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी मदद से 2 वाट के LED में 20 वाट तक की रोशनी मिल सकेगी। 5 साल में पूरा किया शोध। गोरखपुर की इफत अमीन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र की शोधार्थी हैं। इफत ने 5 साल में ये शोध पूरा किया है। इस कॉम्प्लेक्स पदार्थ की चमक क्षमता 91.9% है। अब तक बने चमकीले कॉम्प्लेक्स की क्षमता 80% तक है। इफत अमीन के प्रोफेसर उमेश नाथ त्रिपाठी ने कहा कि इसका पता तब चला जब चमकीले कॉम्प्लेक्स के मिश्रण को IIT मद्रास व जापान के क्यूशी इंस्टीट्यूट जांच के बाद पदार्थों की दक्षता का दावा किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर इफत अमीन ने कहा, डॉक्टर इफत अमीन, मेरे रिसर्च को लगभग 5 साल हो गए, मतलब 5 साल लग गए करने में उसमें। और इसमें मेनली था कि आपका लैंथनाइड एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट लिगैंड लेकर के और उनके कॉम्प्लेक्स बनाना था एंड देन उसके एप्लीकेशन चेक करने थे। तो मेनली एप्लीकेशन के पर्पज़ से हमने चूज़ किया लुमिनेसेंट मटेरियल। तो लुमिनेसेंट मटेरियल जब हमने उसको चूज़ किया, देन अकॉर्डिंग टू डैट हमने स्टडी कराई और स्टडी करने पर हमने ये देखा कि ये काफ़ी अच्छी क्वांटम यील्ड दे रहा है इन कंपैरिजन टू अदर। तो जब हमने ये देखा कि ये काफ़ी अच्छी क्वांटम यील्ड दे रहा है तो इसके डिफरेंट फील्ड में काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। एप्लीकेशन फील्ड में हम अभी काम करने जा रहे हैं, काम करेंगे तो फिर हमें कुछ सॉलिड चीज़ हाथ में मिलेगी। देखिए टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं, जैसे कि अभी हम बात करें तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, उसके अलावा फोटो वोल्टाइक डिवाइसेस में, और एज अ MRI एजेंट भी इसका आगे हम फर्दर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा मतलब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे फ्लोरोमेनेसिस में एंड उसके अलावा और सेल इमेजिंग में, लेबलिंग में, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका फ्यूचर में आगे देखेंगे कि हम किस किस फील्ड में ये कितना एफिशिएंट है। देखिए डिपार्टमेंट में मेरे सारे टीचर्स का सहयोग हर तरीके से था, और अगर सच्ची बात करें तो मेरी गाइड प्रोफेसर मिसेस अफशा सिद्दीकी मैम और प्रोफेसर UN त्रिपाठी सर, इन लोगों ने हर स्टेप पर मुझे प्रमोट एक तरीके से सहयोग किया कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो, आप कर सकते हो। और हर स्टेप में उन्होंने ये कहा कि नहीं, नेवर गिव अप, उसी नेवर गिव अप वाले फॉर्मूला से ही मैं आगे बढ़ती गई और आज यहाँ पर। केमिकल्स नहीं, कॉम्प्लेक्सेस थे जिन्हें हमने टेस्ट कराने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने भेजा था, जिसमें कुछ मद्रास के थे, कुछ कोचीन के थे, लखनऊ भी गया था और उसके अलावा पांडिचेरी में भी गया था। कुछ हमने टेस्ट कराने के लिए, एक पेपर हमारा जापान के टीचर्स से के साथ भी कोलैबोरेटेड है, तो इस तरह से हमने काम किया और हमें रिजल्ट अच्छा मिला।